जिले के 108 केंद्रों पर सीटेट की परीक्षा होना है, जो दो पालियों में संपन्न कराया जाएगा, जिसमें लगभग 68,000 प्रत्याशी सम्मिलित होंगे। परीक्षा की पहली पाली 9:30 पर और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि शनिवार को ही महामहिम राष्ट्रपति का महानगर में आगमन हो रहा है, जिसको लेकर कुछ स्थानों पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से अपील की है कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंच जाएं, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना होने पाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, कल राष्ट्रपति महामहिम जी आ रहे हैं, आप सब जानते हैं, कल शाम को आएंगे और रात को कल रुक रहे हैं गोरखपुर, और परसों यानी 10 तारीख को सभी वार्डन बैठे रहें, अल्पाहार की व्यवस्था है, आपको अपनी जगह पे ही उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, अल्पाहार उपलब्ध कराया जाएगा, मंत्रीगण भी आएंगे। उसकी व्यवस्था के हिसाब से हम लोग पूरा शहर का साफ सफाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो कितने जगह हम लोग रोशनी करा सकते हैं, कितने जगह और भी पुताई करा सकते हैं, रंगाई करा सकते हैं, सब पर तैयारी हो रहा है, और कार्यक्रम स्थल पर भी पूरा तैयारी, साथ साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी तो चप्पे चप्पे हम लोग फोर्स लगाएंगे। बाकी जो कल परीक्षा भी है, वो परीक्षा रीति का आपके चैनल के माध्यम से अपील कर, समय से आप लोग सेंटर पर पहुँच जाए। डाइवर्शन कहाँ कहाँ होता हम पहले ही इंडिकेट कर देते हैं, आप कठिनाई नहीं होगा, बट कृपया करके कल 9:30 परीक्षा है, उसके पहले आधे घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र में चले जाएँ, और शाम को 4 बजे 4:30 बजे खत्म हो जाएगा। माननीय महामहिम जी तो 5 बजे के बाद ही आएंगे, शाम को कोई दिक्कत नहीं होगी, बट सवेरे आप लोग परीक्षा जो यदि परीक्षार्थी है तो कृपया करके 9 बजे पहले आपका सेंटर पे पहुंच जाए, ये आपसे अपील।